नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार गवर्नमेंट एजुकेशन में। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे मैथ्स के रीजनिंग और जो एबिलिटी होती है इंटेलेक्चुअल, तो वहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल में, तो वो हम देखने वाले हैं। यह मान के चलो आपको ये 65 से 70 नंबर इसी के आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा हो क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वही आपको वहाँ पर हेल्प देने वाला है। क्योंकि जो सिली सिली मिस्टेक होती है वो आपको प्रैक्टिस करने से ही दूर होंगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको लगता है कि मुझे आता है, तो फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि आप जो है प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जिससे आप जो है 85+ अच्छे से स्कोर कर पाओगे। ओके, तो इतना तो आपका जो इतना पोर्शन है ये बिल्कुल भी छूटना नहीं चाहिए, जिसमें बात की जाए मेंटल एबिलिटी होती है, रीजनिंग होती है और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होती है। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर, देखिए जीके और रीजनिंग, तो यहाँ पर आपको देखिए 40 नंबर की दी है, तो जिसमें से जो है 20 नंबर की आपको यहाँ पर रीजनिंग देखने को मिलती है। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और मेंटल एबिलिटी की बात करें तो ये 30 नंबर की रहती है, और साइंस और सिंपल अर्थमेटिक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये 15, यहाँ से आप देखोगे कि 15 नंबर का अगर मैं मान के चलता हूँ। वैसे देखा जाए तो साइंस जो है वो 10 नंबर का पूछा जाता है, तो मोटा मोटा मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पर कि 15 नंबर आपका साइंस पूछा जाएगा और सिंप्लीफिकेशन जो है 15, सिंपल अर्थमेटिक। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये 50 और 15 जो है 65 नंबर, 65 नंबर आपके ये बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपके अच्छे से नंबर आ गए तो बाकी चीज़ों में आप जो है ला पाओगे। ठीक है, क्योंकि इसका बैटरी जो है वो ज़्यादा है, तो इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है और यही जो है आपको स्कोर दिलाएगा। क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग हो गया, एबिलिटी हो गई, यहाँ पर आपको जो कॉन्सेप्ट है उसमें आपको 100% जो है वो चीज़ें आती होंगी, तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होता है, पहली बात तो। ओके, तो चलिए देखिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसका आंसर हमें बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इतना बड़ा है, इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पर जो है ये भाग का निशान लगा हुआ है, और ये सब चीजें हमें देखना है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो रूट पे, अगर कभी भी रूट पर कोई रूट लगा हुआ है तो ये अंदर वाला जो रूट होता है उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें ये रूट लगा है और इसके अंदर भी है, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें देखिए, इसको सॉल्व करूंगा, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा, और इसके बाद जो है मैं पूरे को सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है इसके रूट निकालना है। देखिए ये किसका रूट होता है, 1296, 1296 जहाँ तक होता है ये होता है हमारा 36 का। ठीक है, 35 का अगर मैं देखता हूँ तो 1225 होता है, तो ये 1296 जो होगा ये कितने का, 36 का रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 36 का, इसे यहाँ से निकालूंगा मैं तो 36 का ये आ जाएगा, तो 180 में से 36 घटाऊंगा, तो यहाँ से आप देखोगे ये कितना बचेगा हमारा, ये बचेगा हमारा यहाँ पर 144, और 144 में भी ये रूट लगा हुआ है, तो 144 किसका, ये 12 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कितना निकलेगा, 12 निकल जाएगा, तो इसमें से अब मैं 12 घटाने वाला हूँ, तो यहाँ से देखिए 2304 ये आ जाएगा हमारा। अब अंडर रूट 2304 है, तो ये किसका रूट है, स्क्वायर होता है एक तरीके से देखा जाए, तो ये हमारा होता है 48 का, 48 का होता है। ठीक है, क्योंकि 04 और 25 में से 2 घटाऊंगा तो 23 बचेगा, तो ये 48 का होता है। तो यहाँ से हमने देखा कि इसकी वैल्यू जो आई है वो हमारी 48 आ गई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भाग का निशान है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से आप देखिए ये 11 का होता है, तो यहाँ से 11 निकल आएगा, और 587 में ऐसे अगर मैं 11 घटाता हूँ, तो यहाँ से आप देखिए 576 ये हमारा जो है इसमें आ जाएगा। तो 576 जो है ये हमारा किसका जो है वो स्क्वायर होता है, तो ये हमारा देखिए ये किसका होगा, हमारा 26 का। ठीक है, 26 का होगा कि 24 का होगा, 625, तो 24 का होगा, 26 का नहीं, 24 का होगा, तो यहाँ से हमारा 24 आ जाएगा। अब देखिए इसकी वैल्यू हमारी, देखिए जिसे मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, तो ये हमारा हो जाएगा 24, और ये भाग लगा है इसका हमारा निकला 48, तो यहाँ से आप देखोगे 24/48 आ गया है, तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, 1/2, और 1/2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0.5, यानी हमारा आंसर देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये वाला प्रश्न आपको करना था, ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, आपको यहाँ पर अगर स्क्वायर पता हुए हैं कि किस किस के ये स्क्वायर हैं,
तो आप आसानी से जो है इसको कर लेते। बस आपको याद रखना है कि जो अंदर वाले रूट हैं उनको पहले सॉल्व करना है, जैसे हमने इसको पहले किया, इसको चेन बाय चेन चलना है। ओके, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा 11 से विभाज्य है? 11 से विभाज्य यानी 11 से डिविजिबल होगा। देखिए, कभी भी कोई भी संख्या आपको दी हो और आपको कहा जाए कि ये 11 से डिविजिबल होगी कि नहीं होगी, उसका एक सीधा सीधा सा एक आपको मैं चीज बताता हूं। जैसे कि यहां पर जैसे 2799048, ये पहला ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब आप यहां से तो जाहिर सी बात है 11 का इन सब में डिविजिबल करोगे और जो डिविजिबल हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये सब चीजें आप करने से, देखिए सबसे पहले आप ऐसे क्वेश्चनों को याद रखना, पर ये 11 पे ही लागू होगा, 11 पे ही, ठीक है। इसमें जो हमारे देखिए यहाँ पर 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, इस स्थान पर जो हमारी जो संख्याएं आ रही हैं उनको हमें जोड़ लेना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, 9 और 2 11, 11 और ये कितना हो जाएगा हमारा 19, यानी ये आ गया 19। अब जो हमारी जो सम स्थान पर यानी 2 4 6, तो इनको जोड़ लेना है। तो यहाँ से देखिए 16 16 और 4 22 हो जाएगा, ठीक है, 22 हो गया। अब इन दोनों को घटाने पर अगर हमारा 0 आ रहा है या 22 आए या 11 आए, इस तरीके से हमें देखने को मिले, तो वो हमारा 11 से डिविजिबल होगा, याद रखना है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना है, जो इवन नंबर है उनको जोड़ लेना है और जो ऑड स्थान पर नंबर है उनको जोड़ लेना है और दोनों को घटा देना है। अगर 0 आता है या 11 आता है या 22 आता है, इसके मल्टीपल आपको देखने को मिले, तो आपको जो है यहाँ पर डिविजिबल हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये वाला तो डिविजिबल है नहीं है क्योंकि ये 19 है और ये 22 है, तो ये घटाने पर हमारा कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3, तो ये तो नहीं आएगा, ठीक है। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर 2908, तो ये कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखिए 8 और 9 17 17 और 4 21, तो ये भी नहीं है, 19 में से 21 जाएंगे तो यहाँ पर 2 ही बचेगा। अब देखिए ये वाला ऑप्शन देखते हैं, 2 और 9 11, 11 0 और यहाँ पर देखिए 19 हो रहा है। अब उसके हम सम स्थान पर 6 और 6 और 9 15, 15 और 4 19, तो यहाँ पर देखिए ये 19, यानी 19 में से 19 जाएंगे तो हमारा 0 बचेगा। तो मैंने आपको बताया था 0 11 22 इस तरीके से आपको मिल रहे हैं घटाने पर, तो हमारा जो है 11 से डिविजिबल होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चनों को डील करना है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये वाला प्रश्न है और इसमें हमें निम्नलिखित में से उत्तर, यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है और ये मोबाइल कंपनियां हैं यहाँ पर ABC, ठीक है। इसका डाटा जो है हमें दे दिया गया है, जैसे 2001 का, 2011 का, 2021 का और 2031 का। तो यहाँ पर 2011 से 2021 तक एक कंपनी की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये हमें पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए ये कंपनी हमारी कौन सी है, यहाँ पर ये वाली है ये कंपनी, और इसमें हमें 2001 2011 से, ठीक है, तो 2011 हमारा देखिए ये 700 है, तो 2011 में देखा कि हमारा जो है ये 700 मोबाइल बिचे हुए हैं, ठीक है। और 2021 में आप देखोगे यहाँ पर कितना, यहाँ पर जो है वो 900 बिके हुए हैं। तो हमें बताना है कि इसमें वृद्धि कितनी हुई है, कितने प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली है। तो आप देखिए यहाँ पर जो है 200 की वृद्धि हुई है, 200 की वृद्धि हुई है, शुरुआत में कितनी थी, 700 थी इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ से जो है हमारी पता पड़ जाएगी कि कितने परसेंट की वृद्धि देखने को मिली है। तो यहाँ से देखिए 0 से 0 काट दूंगा, यहाँ से देखिए 200 बटा 7, तो यहाँ पर आप देखिए 7 दूना 14, 6 बचेगा 7 8 56, 56 फिर 4 बचेगा दशमलव लगाऊंगा यानी 0 आएगा, 7 6 42, तो 6 7 5 35, 5 बार जाएगा और फिर कितना बचेगा, 5 बचेगा, फिर 0 लगाऊंगा तो 50 हो जाएगा, 7 7 6 42 7 6 42, तो 6 बार जाएगा, फिर ऐसे करके आप बढ़ता जाएगा। तो हमें यहाँ पर देखिए 2 दशमलव तक हमें मान निकालना है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 28.57 हम इसको मान सकते हैं। तो हमारा देखिए आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो इस तरीके से आपको ये DI दे सकते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सीधा सीधा देखिए, डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, ये दो चीजें बहुत जरूरत पड़ती है वहां पर, रेशियो हो गया, तीन चीजें, परसेंटेज आपको आता है, रेशियो आता है, ठीक है, और बात की जाए एवरेज,
ये तीन चीजों की ज्यादातर आपको डीआई में जरूरत पड़ती है। अब यहां पर देखिए हमें किसका परसेंटेज निकालना था सीधा सीधा, तो परसेंटेज आपको पता है इस तरीके से हम जो है इसमें कितनी की वृद्धि हुई है तो हम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से तीनों अगर आपके टॉपिक अच्छे से हैं तो आप डीवाई में कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको, बस आपको समझ में आना चाहिए कि मैं इसको किस तरीके से सॉल्व करूं। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर 4 वर्षों में साधारण ब्याज दर पर एक राशि में 20% की वृद्धि होती है, उसी ब्याज दर पर 2 वर्ष के बाद 44,500 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये हमें पूछा गया है। तो सबसे पहले तो हमें रेट पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमें उसी ब्याज पर मतलब जो साधारण ब्याज था उसी रेट पर जो है हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है इतने रुपयों का, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एक चीज हमें बोली गई है कि 4 वर्षों में साधारण ब्याज दर से एक राशि 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी अगर मैं प्रिंसिपल कितना मान के चलता हूँ, 100 मान लूँ प्रिंसिपल, ठीक है, तो हमारी राशि कितनी हो रही है बढ़ के 20% की वृद्धि हो रही है, यानी अमाउंट जो है हमारा 120 हो रहा है। भाई 20% बढ़ाऊंगा तो 100 का 120 हो जाएगा। तो हमारा देखिए टाइम हमें दिया हुआ है यहाँ पर कितना, 4 वर्ष दिया हुआ है। अब हम यहाँ से रेट निकाल सकते हैं आसानी से, अमाउंट बराबर होता है पी इंटू 1+RT/100, ठीक है। तो यहाँ से अमाउंट देखिए हमारा कितना है, 120 है, बराबर प्रिंसिपल हमारा 100 है, 1+R हमें निकालना है, टी हमारा 4 है/100, तो ये कितना हो जाएगा, 4 से 100 काटूंगा तो ये 25 हो जाएगा, और इधर देखिए 0 से 0 काटूंगा, ठीक है, इसे नहीं काटते, इसे अभी इतना ही रहने देते हैं। तो 120 बराबर 100 × 25 ऊपर जाएगा +R/25, ये हो जाएगा हमारा 25 से ये 4 बार जाएगा, 25 × 100, और 4 से मैं इसे काटूंगा ये जाएगा 30 बार, यानी आप देखिए 30 बराबर 25 + R, 25 को मैं इधर ले जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा 30 में से, तो आर हमारी कितनी आ जाएगी, 5%। तो देखिए हमारे यहाँ से रेट आ गई 5%, ठीक है। अब इसी रेट पर हमें 2 वर्षों में इतने पर राशि पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज आ रहा है वो हमें निकालने को सीधा सीधा कहा गया है। तो भाई निकाल लेते हैं, देखिए कितनी राशि दी हुई है, 4,4,5,00 इस राशि पर 2 वर्षों में, 2 वर्षों में, ठीक है, ये पहला वर्ष है, ये हमारा दूसरा वर्ष है, कितने पर, 5% पर। 5% को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, 5/100 लिख सकता हूँ, ठीक है, यानी आप देखिए 5% इसका निकालूंगा मैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 2 0 से 0 तो 5 25, हाँ से लगा 2 5 6 20 और 2 22, हाँ से लगा 2 5 6 20 और ये हो जाएगा हमारा 22। तो दूसरा भी हमारा 5% पे इतना ही निकलेगा, ठीक है। अब इसके बाद आप देखिए हमें रेट पर भी, रेट जो हमारा जो इंटरेस्ट निकला है, ब्याज निकला है, उस पर भी हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज वही होता है जो ब्याज पर ब्याज लगता है। तो इसका मैं अगर 5% निकालता हूँ तो कितना होगा, मुझे 5% निकालूंगा तो देखिए यहाँ पर 5% मतलब होता है 1/20, तो इसका आधा कर देता हूँ और दशमलव लगा दूंगा, तो देखिए 1,1,1,2,5, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इतना, ठीक है, इतना हो जाएगा 11,112.5। तो यहाँ से अब हम आसानी से देख सकते हैं कि ये वाली और ये वाली देखिए कितना हमें टोटल बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 2,2,2,5, 2,2,2,5, और ये कितना था हमारा यहाँ पर, ये 5 × 2 = 10, 5 25 और 5 × 2 = 10, और यहाँ से ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर आएगा हमारा 1,1,1,2.5, 1 सेकेंड, पांच परसेंट, ठीक है, तो ये 1/2, तो 1,1,1,2.5, तो यहाँ से हम दशमलव यहाँ पर आएगा हमारा, तो यहाँ से ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब देखिए यहाँ पर आप देखोगे कि ये 2 के आ जाएगा, दरअसल यहाँ पर 2 के बाद आएगा, 2 है, तो यहाँ से देखिए 2.5 तो हमारा ये आ रहा है, इधर लिख देता हूँ, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, 2.5, और इधर आप जोड़ोगे इसको, जोड़ोगे आप तो ये 10 और ये 11, ठीक है, और यहाँ से आप देखिए ये 2 × 2 = 4, 1 5 और 1 6, यहाँ से लगाता है 1 तो 6 आ जाएगा, और यहाँ पर आप देखोगे ये 5 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 2.5, यानी 4,5,6
1.25, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर। देखिए ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये वाला प्रश्न जो है हमें करना था। तो पहले रेट पता करनी थी, उसके बाद जो हमें इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर पाइप ए 48 घंटों में एक टंकी को खाली कर सकता है, पाइप बी जो है वो उसी टैंक को, बात की जाए तो 72 मिनटों में भर सकता है, और सी टैंक जो है वो 96 घंटों में भर सकता है। तो हमें बताना है कि तीनों पाइप अगर साथ में खोल दिए जाएं, साथ में खोल दिए जाएं, तो टंकी कितने समय में भरेगी, ये पूछा गया। तो देखिए भाई, ए बराबर कितना है, 48 है। बी बराबर आप देखोगे ये भर रही हैं, बी बराबर कितना, 72, और सी बराबर आप देखोगे 96। ये खाली कर रही है, ये भर रही है, और ये भर रही है, ठीक है। तो टोटल क्वांटिटी हमें पता करनी चाहिए, तो इन तीनों का मैं एलसीएम लूंगा, ठीक है। तो इन तीनों का एलसीएम लूंगा, देखिए ये कितना हो जाएगा, 8 6 48 होता है, ये 8 9 72 होता है, और ये आप देखोगे 8 और 12 12 8 96, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एलसीएम देखिए, 8 तो कॉमन आ रहा है, फिर हमारा 12 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3। तो ये हमारा एलसीएम आ गया है। अब इसकी ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी निकालेंगे। तो ये 48 है, तो यहाँ पर देखिए इसको मैं 4 और 2 लिख सकता हूँ, तो 12 चौक 48, यानी ए की एफिशिएंसी आ जाएगी कितनी, 6 आ जाएगी, और बी की एफिशिएंसी 12 6 72, यानी बी की एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ पर 72 है, 12 चौक 48 12 6 72, तो 4 आ जाएगी इसकी, और यहाँ से आप देखोगे 96 है ये, तो 12 8 96, यानी 3 इसकी आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, ये खाली कर रहा है, ये भर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है तीनों पाइप खोले हैं, तीनों पाइप खोले हैं, तो ये तो खाली कर रहा है, तो यहाँ पर आप देखिए ये 7 हो रहा है, क्योंकि इनको मैं जोड़ूंगा, क्योंकि ये दोनों जो है वो टंकी को भर रहे हैं और ये खाली कर रहा है। तो देखा जाए तो इनकी एफिशिएंसी अगर देखा जाए तीनों की मिला के, तो 7 माइनस 6 बराबर कितनी हो जाएगी, 1 बचेगी हमारी, तो 1 एफिशिएंसी बचेगी। दरअसल हमारी टोटल क्वांटिटी देखिए यहाँ पर कितना था, 8 × 12 × 3, यही तो था, तो हमें इससे 1 से डिवाइड कर देना है इसको, और यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 12 8 96, और 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इतना होगा, 3 6 18, आंसर लगा 1 9 27 और 1 28, यानी 288 जो है इसका आंसर आ जाएगा। 288 मिनट जो है वो लगेंगे टंकी को भरने में, इसका आंसर आ जाएगा हमारा डी ऑप्शन। ओके, वो तो क्वेश्चन आसान है, कैलकुलेशन है थोड़ी, तो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पर प्रैक्टिस करोगे कैलकुलेशन की, तो आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो प्रैक्टिस इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप जितना ज़्यादा हो प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम में टाइम लिमिटेड मिलता है। देखिए ऐसा नहीं है, 2 घंटे बहुत होते हैं अगर देखा जाए तो, फिर भी आप अगर अच्छे से कर लोगे, और अगर आप 1 घंटे में ही 100 क्वेश्चनों को कर लेते हो वहाँ पर, या बात की जाए 1.5 घंटे में भी, तो आपके पास आधे घंटे मिलते हैं, और आधे घंटे में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनमें टाइम लगता है, जाहिर सी बात है कुछ क्वेश्चन ऐसे भी डालता है एग्जामिनर जिसमें टाइम लगता है, तो उन्हें आप टिक करके मार करके जो है आगे बढ़ जाते हो, क्योंकि आप उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो, तो लास्ट में जो आपका टाइम बचेगा उनको सॉल्व करने में आप यूज कर पाओगे। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर 25% की हानि पर 15,825 का एक मोबाइल बेचा जाता है, यदि इसे 25,320 में बेचा जाए तो वास्तविक लाभ या हानि कितने प्रतिशत की होगी, ये पूछा गया है हमें। ओके, तो सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए, और कॉस्ट प्राइस हम कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस हो जाता है SP यानी सेलिंग प्राइस 100 अपॉन, तो जो हमारा हानि हुई है, तो 100 माइनस 25 कर दूंगा मैं, 25% की हानि हुई है यहाँ पर, तो यहाँ से आप देखिए सेलिंग प्राइस हमारी कितनी, 15,825 × 100/75, ठीक है। तो यहाँ से 25 चौक 100 25 3 75, 3 से मैं इसे काटूंगा, तो यहाँ से देखिए 3 5 15, 3 9 6, 3 7 21 और 3 5 15 × 4, तो यहाँ से देखिए ये हमारा दरअसल जो है CP निकल आया, ये हमारा CP निकल आया, तो यहाँ से देखिए 5 4 5 20, हाथ से लगा 2 4 7 28, 29 30, हाथ से लगा 3 4 2 8 और 3 11, हाथ से लगा 1 20 और 1 21, यानी आप देखिए 2110, ये हमारी निकली है कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस निकल आई। अब आप देखिए
कितनी वाली, मतलब 21,100 वाली चीज को हमने 25,320 रुपए में बेचा है, तो प्रॉफिट कितना होगा? तो अब देखिए 25,320 21,100, तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा हमारा, इतना बचेगा। तो ये हमारा देखिए प्रॉफिट हो रहा है, कितना हो रहा है प्रॉफिट, 4,220 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन हमें परसेंटेज पूछा गया है, तो परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं जो हमारा प्रॉफिट है अपॉन CP इंटू 100, इस तरीके से। तो हमारा प्रॉफिट कितना है, 4,220, और CP हमारी कितनी है यहाँ पर 21,100 और इंटू 100। तो यहाँ से देखिए 00 से 00 ये कितनी बार जाएगा, दो बार जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमारा कितना आ जाएगा, 20% का प्रॉफिट निकाला जाएगा, लाभ आ जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। ओके, तो सीधा पहले कॉस्ट प्राइस निकाली, उसके बाद जो प्राइस आगे की दी गई थी हमें, तो उसमें हमने हटा के नहीं जो है प्रॉफिट निकाल लिया, और प्रॉफिट परसेंटेज निकालना था, तो प्रॉफिट अपन CP इंटू 100 कर दिया, तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज निकल आया। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर। एक नाव 54 घंटों में 270 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जाती है, और 64 घंटों में 448 किलोमीटर धारा की दिशा में, ठीक है, जाती है। तो हमें बताना है कि जो नाव है वो शांत जल में उसकी गति कितनी होगी। दरअसल हमें बोट की स्पीड निकालनी है कि बोट की स्पीड क्या होगी, ये पूछा गया है सीधा सीधा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर बोला गया है विपरीत दिशा में, तो भाई बोट है और जो धारा है उसकी कभी भी, देखिए अगर ये धारा है तो ये इस तरफ धारा चल रही है और इस तरफ से हमारी नाव आ रही है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये नाव जो आ रही है उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, क्योंकि ये हमें रुकावट पैदा करेगी, धारा तो घट जाएगी। तो यहाँ पर बोट माइनस जो है स्ट्रीम, मतलब धारा की गति मैंने घटा दी है, और यहाँ से हम जो है देखिए स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस हमें कितनी दी हुई है, 270, और टाइम हमें दिया हुआ है 54, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी यहाँ से स्पीड आ जाएगी, तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, 9 × 27, 9 × 54 और 6 × 30, यानी 5। तो यहाँ से बी माइनस एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, हमारा 5 आ जाएगा। तो एक हमारा इक्वेशन ये बन गया। दूसरा देखिए, दूसरे दिशा में जा रही है तो दिशा में ही जाएगी उसी में, तो जाहिर सी बात है जो धारा है और नाव उसी में जा रही है तो स्पीड उसकी बढ़ जाएगी। तो बोट प्लस एस बराबर कितना, 448/64। तो इसको मैं किससे काटूं, 4 से काटता हूँ, 4 4 2, और यहाँ से देखिए 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 24, ठीक है। फिर 4 से काट देता हूँ, 4 × 2 = 8, 4 × 8 = 32, और 4 × 16, 4 × 7 = 28, यानी 7। तो यहाँ से बोट प्लस स्ट्रीम जो है 7 आ जाएगी। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया। अब हम यहाँ से आसानी से जो है इसमें वैल्यू निकाल सकते हैं, हमें किसकी निकालनी है, बोट की निकालनी है। तो देखिए इसमें से ये स्ट्रीम कट जाएगा, तो 2b = ये कितना हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा। तो बोट की जो स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 × 12, यानी 6। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 6 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा जो रहेगी वो रहेगी बोट की स्पीड। ओके, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, बहुत ही शानदार प्रश्न है, और इसमें हमें एक धनराशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज के तहत अपने आप की दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों बाद वह अपने आप की 52 गुना यानी 52 गुना हो जाएगी। तो साधारण ब्याज के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, n-1/t1 = एन माइनस यानी n2-1/t2, ठीक है। अब यहाँ पर n क्या है, n जो है यहाँ पर n1 जो है वो जितने गुना हुई है, जैसे यहाँ पर कितने गुना हुई है, दुगनी गुना हुई है, ठीक है। और हमारा t1 क्या हो जाएगा, t1 कितने वर्षों में, टाइम है तो 3 वर्षों में। अब दूसरे देखिए n2 क्या हो जाएगा, कितने गुना हमें करना है, 52 गुना करना है, यानी 52। और t2 हमें बताना है कि इसमें से कितना होगा। बस यहाँ से हम सीधा सीधा वैल्यू रखेंगे, देखिए 2-1/t1 कितना, 3 = n2, 52-1/t2, ठीक है। तो दो में से एक जाएगा तो ये एक बचेगा, और यहाँ से कितना बचेगा, 51 बचेगा। ये 3 का मल्टीप्लाई इधर होगा t2, तो t2 = हो जाएगा 51 × 3, यानी 3 × 3 = 15, यानी 153 हमारा इसका आंसर आ जाए। तो 153 वर्ष लगेंगे उसको
अपने आप का 52 गुना होने में। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये किस पर अला होगा, साधारण ब्याज पर होगा, याद रखना है। चक्रवृद्धि ब्याज पर मत लगाना, चक्रवृद्धि ब्याज का दूसरा होता है। ठीक है, तो वो हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसके भी मैं आपको बता दूंगा फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा, ये आपको बहुत टाइम बचत करता है। वैसे आप निकालने बैठोगे ना तो बहुत टाइम लगेगा आपका, तो ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल है, ये आपकी टाइम को बचत होता है। देखिए, साधारण ब्याज हो गए और जो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गए, इनके फॉर्मूला बहुत, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो बहुत बेकार होते हैं। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट के आप फॉर्मूला देखो कि आप लगाओगे ना तो आपका जो कैलकुलेशन में इतना दिमाग खराब हो जाता है। तो कभी कभी जो है कुछ फॉर्मूला तो आसान होते हैं और कुछ फॉर्मूले जो है बहुत डिफिकल्ट होते हैं। तो जो मैं फॉर्मूला यहाँ पर बताऊंगा बस उनको याद रखना है, बाकी आपको किसी को याद रखने की जरूरत नहीं है। जो मेथड में बिना फॉर्मूले के आपको सॉल्व कराऊंगा वो चीज़ें आपको याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, अब ये वाला था, अब ये वाला क्वेश्चन था, तो इसमें मैंने आप देखिए फॉर्मूला लगाया नहीं लगाया, ये हमें पता पड़ गया कि ये इसका कंपाउंड इंटरेस्ट हमें ऐसे निकालना है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट से निकालना है, और अमाउंट पूछा जाता तो इसका और इसका कंपाउंड इंटरेस्ट का जोड़ देता तो अमाउंट हो जाता। तो इसमें देखिए मैंने फॉर्मूला लिया, बस ये वाला फॉर्मूला लगाया है क्योंकि ये आसान था। अमाउंट बराबर होता है पी इंटू 1 प्लस RT/100, तो इसको सॉल्व करने में थोड़ा आसानी होती है। तो कुछ फॉर्मूले तो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड होते हैं तो उनको यूज नहीं करना है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, 12.96 है ये, इंटू अंडर रूट में है, सब याद रखना है, 7.84 है, ये भाग का निशान लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, डिवाइड का, और यहाँ पर है अंडर रूट में 3.24 और यहाँ पर है 31.36। तो सबसे पहले हमें ये किसके स्क्वायर हैं तो इनका रूट निकालना पड़ेगा। देखिए ये वाला जो है ये किसका होता है, देखिए आप सोचिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ पर 12.96 है, ठीक है, तो ये दशमलव हटाऊंगा तो यहाँ पर 0 आएगा कि नहीं आएगा, 2 0। अब इस पे भी रूट लगा, ये पूरे पे रूट लगा हुआ, तो इसकी जो वैल्यू कितनी, 10 निकलेगी कि नहीं निकलेगी? भाई आप 100 का रूट लोगे तो ये 10 आएगा। तो याद रखना है, देखिए सब के नीचे यहाँ पर सब में जो है, देखिए 2.2 अंकों के बाद लगा हुआ है पीछे से। ठीक है, तो यहाँ से सब में आप देखिए 10 10 तो सब में आना है, तो उसे आप लास्ट में हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर होता है पहले हमें ये देखना पड़ेगा। अब ये देखिए 12.96, 12.96 ये किसका स्क्वायर होता है, तो देखिए ये होता है हमारा, ये 4 और 6, 3 3 9, 3 6 12, यानी ये हो जाएगा 36 का। तो ये हमारा हो जाएगा 36 का। ठीक है, इसमें इंटू लगा हुआ है, इसका आप देखिए 7 8 4 है, तो 7 8 4, तो यहाँ से आप देखोगे ये किसका होता है, ये होता है हमारा देखिए 2 से और 8 से, इसको करूंगा 2 2 4, 2 3 6, तो ये हो जाएगा 28 का। तो ये हो जाएगा 28 का। देखिए वैसे आप याद, डायरेक्ट याद रखिए, कम से कम आप 50 तक जो है वो रूट याद कर लीजिएगा कि किसका कितना होता है। अब यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ जो मुझे आसानी हो रही है कि मैं यहाँ पर आसान से पता कर सकता हूँ कि निकाल सकता हूँ 1 2 सेकेंड में। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट याद रखोगे तो आपका टाइम भी बचत होगा। यहाँ पर भाग, अब ये 324 है, तो 324 के देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ये 2 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 यूनिट डिजिट आता है, फिर 8 का करूंगा तो इसमें भी 8 8 64 होता है, तो 4 यूनिट डिजिट आता है। अब इसको पकड़ लो आप, इसको पकड़ोगे आप तो ये किसका स्क्वायर के बराबर हो सकता है, 2 का करूंगा तो 4 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा 18 का। तो ये हो जाएगा हमारा 18, और यहाँ पर इंटू लगा हुआ है, अब इसके देखिए 3 1 3 6, तो ये 6 कब आता है, या 4 6 16 और 6 6 36, अब इसको देखो 5 25 5 31, यानी ये होता है 56 का। तो ये हो जाएगा हमारा 56 का। तो ये हमारे दरअसल जो है सबके ये निकल आए। ठीक है, रूट। अब देखिए, अब याद रखना इन सब के नीचे जो है वो 10 लगा हुआ है, यानी 36 इंटू 28, या फिर आप देखिए अब 10 लगा हुआ है सबके नीचे तो ये कितना हो जाएगा, 3.6 हो जाएगा, इंटू 2.8 ये हो जाएगा, ये डिवाइड लगा हुआ है यहाँ पर, तो मैं नीचे लिख दूंगा 1.8 इंटू 55.6, ये 56 है तो 10 लगा हुआ है तो 5.6 हो जाएगा। तो देखिए 18 दूना ये 26 हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए 2 इंटू 2 8 56 अपॉन 100। ठीक है, यहाँ से ये हटा के नहीं तो बाद में मैं क्या करूँगा, इसमें सीधा सीधा डिवाइड कर दूंगा। तो अब इसको देखिए हम किस तरीके से करेंगे, 2 इंटू 2 28 इंटू, देखिए 28 दूना 56 होता है,
होता है कि नहीं होता। अब देखिए 28 का स्क्वायर कितना होता है, 784 होता है, और इंटू 4, तो यहाँ से आप देखिए 4 चौक 16, हाँ से लगा 1, 4 8 32, और 1 33, हाँ से लगा 3 28, और 3 31, ठीक है। तो 31, 31 और 36 बटे में 100 है तो 2 आ जाएगा दशमलव, यहाँ पर 31.36 जो है इसका आंसर, तो 2 अंकों बाद जो है वो दशमलव लग जाएगा क्योंकि 100 बटे में है। तो इस तरीके से ये वाला प्रश्न करना था। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये वाला, तो यहाँ पर थोड़ा कैमरा बहुत बेकार सा हो गया है। कभी कभी कैमरा जो है वो चिपक जाता है बिल्कुल वहीं, तो इसीलिए मैं बार बार जो है चीजें देखता रहता हूँ। चलिए इसका आंसर आपको, आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आगा क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन चलिए इसका आंसर हमें बताना है। देखिए एक कॉलेज में पुरुष और महिलाओं की संख्याओं का अनुपात हमें दिया हुआ है यहाँ पर 21:20, यानी पुरुषों और महिलाओं जो अनुपात है 21:22, ठीक है। पुरुषों में कितने की वृद्धि हुई है, 20% की, और महिलाओं में जो है वो 30% की वृद्धि कही गई है। तो हमें कहा गया है कि जो अनुपात नया अनुपात है वो कितना रहेगा, तो बस सीधा सीधा सा आप इसी को जो है वो इसमें 20% की वृद्धि कर दो, इसमें 30% की वृद्धि कर दो। तो यहाँ से देखिए आप 21 है तो इसमें 20% की वृद्धि करूंगा तो 120/100 हो जाएगा, अपॉन 22 है, महिलाओं में कितने की 30% की वृद्धि करूंगा तो 130/100, तो 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। तो यहाँ से देखिए 21 × 12 / 22 × 13, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 छिंग 12, और ये 11 बार चला जाएगा। तो देखिए यहाँ से देखिए 6 × 6 = 6, 6 × 2 = 12, 126 तो ये हो गया, और ये 11 का मल्टीप्लाई 13 से करूंगा तो 341 ये हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए 26, 126 और 143, ये जो है इसके अनुपात आ जाएंगे। ओके तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर एक अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या जो है वो कितना है 33 सेंटीमीटर है, और हमें जो है यहाँ पर पाई का मान जो दिया हुआ है 3.14 दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको जो अर्धगोला है, यानी अर्धगोला किस तरीके का होता है, ये होता है अर्धगोला, ठीक है, ये अर्ध पूरा गोला हमारा ये होगा, अर्धगोला ये हो जाएगा आधा। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है कितना होगा, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल याद रखना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 πr², ये जो है इसका फॉर्मूला होता है। चलिए तो इसको आपको इस फॉर्मूला में रख के आप बताइए इसका आंसर क्या होगा तब तक। देखिए तो मैं सीधा सीधा फॉर्मूला में अप्लाई करने वाला हूँ यहाँ पर, तो आपको बस यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेशन वगैरह ये सब तो खुद ही करनी पड़ेगी। 3 × 3.14 × 33 है तो 33 × 33, क्योंकि r² है यहाँ पर, ठीक है, तो 33 ये हो गया हमारा। तो 33 का स्क्वायर कितना होता है, 1089 होता है, जहाँ तक है 1089 होता है, ठीक है। 1089 का अगर मैं क्यूब लेता हूँ यहाँ पर 3 और 7 स्क्वायर लेता हूँ, और यहाँ पर देखिए 3 × 9 33 का होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए इतना आ गया हमारा, अब इसका सीधा सीधा आपको मल्टीप्लाई कर देना है इसमें, तो इसमें देखिए मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। अब देखिए इसमें ऑप्शन भी हमें सब ऐसे दिए हुए हैं कि 0.38 ये सब जो है हमें यहाँ पर दिए हुए हैं, बाद की भी देखिए 58 तक जो है हमें सेम, तो पूरा आपको मल्टीप्लिकेशन करना रहेगा तभी जो है हम इसका आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, 9 × 27 = 2, 8 × 24 =
तो 26 और यहाँ पर 3। अब देखिए 314/100, इसको ऐसे कर देता हूँ मैं। अब देखिए इसको हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टाइम लगेगा, तो इसको आप मैं किस इसको कैसे लिख सकता हूँ, 300 + 10 + 4 ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता इसको? तो बस पहले 300 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 10 से करूंगा, फिर 4 से करूंगा और बाकी की मैं जोड़ दूंगा। तो यहाँ पर देखिए 300 से करता हूँ मैं इसमें, तो 00 से लगेगी, 3 7 21, हाँ से लगा 2, और 3 6 18, 19 20, हाँ से लगा 2, 3 9 6 और 2 8 और 3 3 9, ठीक है। तो फिर मैं किससे, 10 से करूंगा, तो 10 से यहाँ पर देखिए 0 7 6 3 2, ठीक है, तो इतना हो जाएगा। फिर 4 से करूंगा, 4 7 28, और यहाँ से आप देखोगे यहाँ से लगा 2 और 4 6 24 25 26, हाँ से लगी 2 और 4 2 8 और 2 10, एक हाँ से लगा और यहाँ से 12 और 1 13, तो 8, ये कितना हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 3 2 5, और ये 8 और 3 11 और 1 12 और यहाँ पर हो जाएगा 10। तो यहाँ से आप देखिए 8 3 8, और ये नीचे 100 लगा था, 2 नीचे दशमलव लगा देंगे। अब यहाँ से हम देखेंगे आंसर क्या होना आएगा हमारा, देखिए यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है इसका आंसर। तो यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन थी, आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए, कैलकुलेशन आप करोगे तभी आपके जो है थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, चीज़ें आपके सामने जो है अच्छे से रहेंगी। तो मैंने यहाँ को 314 को मैंने इस तरीके से तोड़ लिया, फिर 300 का मल्टीप्लाई कर दिया, 10 का कर दिया और 4 का कर दिया, और इनको उठा के जोड़ दिया। अगर मैं इनका पूरा का करता तो आप जैसे जो आप कंफर्टेबल लगे वो आप कीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर एक व्यापारी क्रमशः 31% और 32% दो क्रमागत छूट देने के बाद वस्तु बेचता है, वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? देखिए कभी भी याद रखना कि जो व्यापारी होते हैं वो छूट जो देते हैं वो मार्क प्राइस पर देते हैं, मार्क प्राइस पर जो है वो डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट देने के बाद जो है इसके पास सेलिंग प्राइस आती है। तो यहाँ पर हमें विक्रय मूल्य निकालना है, तो आप देखिए यहाँ पर हमें मार्क प्राइस कितनी दी हुई है, 3130, इस पर पहले कितने का, 31% का डिस्काउंट दिया गया है, तो 31% का डिस्काउंट दिया गया है, मान लो 100/, यहाँ से आप देखिए 9 और ये हो जाएगा 6/100 और ये 68/100, बस इसको आपको सॉल्व करना है और आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, देखिए 79 और 78 इनका मल्टीप्लाई करना है और इसका करना है, देखिए 00 से ये 00 कट ही जाएगा, 313 × 69 × 68/100, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करना है, आई होप आप इसको सॉल्व करके नहीं, क्वेश्चन जो भी ABCD जिसमें भी आंसर आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूंगा ठीक है, पर एग्जाम सेंटर में तो आपको खुद ही करना पड़ेगा ना, तो अभी से प्रैक्टिस कीजिए, आपको एग्जाम में फायदा मिलेगा उसका। और वैसे भी इतने सालों बाद भर्ती निकाली है, चाहे इतना मतलब 2 साल हो गए, इतना जिल्लत जिल्लत जो झेली है, तो आई होप उसका आपको पूरा तरीके से अच्छे से प्रिपरेशन करना है और एक अच्छी सी जॉब लेना है और आगे की लाइफ जो है सिक्योर करना है। क्योंकि इससे पहले जो 2 साल 3 साल 2017 के बाद से नहीं निकली, और 2 साल 3 साल ही हमारे कोविड खा गया, और नेता तो फिर होते ही हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और इसका त्रिज्या जो है हम इतनी है इसकी पाई, तो ये सेम है पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर क्या, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, गोले का निकालना है, पिछली बार क्या था, अर्ध गोले का था, ठीक है, तो अर्ध गोले का था, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का, तो ये होता है 4πr², ठीक है, तो 4 × 3.14 × 24 × 24, बस इसका हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है सीधा सीधा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन जो है इसका करना है। तो इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैंने आपको बता दिया कि फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, मेंसुरेशन के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको फॉर्मूला याद है तो आप बिल्कुल बहुत ही आसानी से जो है सारे क्वेश्चनों को अच्छे से कर पाओगे, वरना आप जो है क्वेश्चन एग्जाम सेंटर में बैठे रह जाओगे और क्वेश्चन जो है आपके सामने से निकल जाएगा। तो मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, मेंसुरेशन के जैसे वृत्त हो गया, आयत हो गया, त्रिभुज हो गया, क्यूबॉइड हो गया, स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, तो इन सब के फॉर्मूला याद रखना है, बेलन हो गया, शंकु हो गया,
तो इन सब के आपको अच्छे से फॉर्मूला डेली रिवाइज करना है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो गया। एग्जाम होने के बाद आपके जलवे जलवे आप अच्छे से नंबर ला दिए, 85+ आपको नंबर लाना है, बस इतने में आपका काम हो जाएगा बहुत ही बेहतरीन अच्छे से, मतलब आप टॉप कर जाओगे इतने में, ये मान के चलो। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर तीन दोस्त हैं ए बी सी, 12, 5 और 10 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश किया है इन्होंने। 6 महीने बाद सी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। 1 वर्ष के लिए 1,47,000 कुल लाभ प्राप्त होता है, तो सी द्वारा अर्जित लाभ पूछा गया कि सी ने कितना लाभ प्राप्त किया। ये तो टोटल है, तो देखिए ए बी और सी, 12, 5 और 10, ये अनुपात है। अब देखिए सब ने एक एक साल के लिए लगाया, एक साल मतलब 12 महीने के लिए, ठीक है। पर इसने क्या किया है, सी ने क्या किया है, 6 महीने बाद जो है आधी पूंजी निकाल ली। तो भाई ये 6 महीने तो इसने लगाया है, मतलब 6 महीने तो पूरी लगाई है, फिर उसके बाद बची हुई आधी कितनी, 5 बचेगी, ये बाकी के 6 महीने जो है इसने लगाए, ठीक है। तो पूंजी उसने 10 लगाई थी, 6 महीने में निकाल ली आधी पूंजी, तो बची उसकी आधी पूंजी तो निकली, तो आधी पूंजी पर फिर जो है आगे का जो भी उसे बात की जाए लाभ मिलेगा वो आधी पूंजी पर मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर 5 × 6 कर दिया, तो यहाँ से देखिए 6 × 2 = 12, 6 × 2 = 12, ये 6 6 कट जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए 24 तो ये हो जाएगा, 10 ये हो जाएगा, और कितना हो जाएगा ये 10 और 5 = 15। तो ये हमारा जो है वो प्रॉफिट रेशियो आ गया, प्रॉफिट रेशियो ए बी सी में। लेकिन टोटल तो हमें इतना दिया हुआ है, तो टोटल मतलब इन तीनों को मुझे जोड़ना पड़ेगा, 24, 10 और 15, ये कितना हो जाएगा हमारा, 9, 49, 49 हो जाएगा। अब देखिए 49 = कितना दिया हुआ है, 14,700, इतना दिया हुआ। तो एक की वैल्यू यहाँ से आप देखो कितनी हो जाएगी, ये कितनी बार चला जाएगा हमारा, 3 बार, 9 × 27 = 12, 3 बार, मतलब 3,000 हो जाएगा हमारा। तो एक की वैल्यू हमारे 3,000 के बराबर है, हमें पूछा गया है सी का। अब सी ने तो भाई 15 अर्जित किया था, तो एक की वैल्यू 3,000 है, तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 × 3,000 यानी 45,000। देखिए आंसर आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन। तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से पार्टनरशिप से क्वेश्चन पूछे है जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, CISI सबसे, देखिए वर्क टाइम स्पीड हर एक पोर्शन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हर एक चैप्टर हर एक टॉपिक आपको अच्छे से कवर करके जाना है, हर एक क्वेश्चन के आपके कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, एक किंडल को 14 1458 में 35% लाभ पर बेचा जाता है, अगर उसे 810 में बेचा जाता है तो उसकी वास्तविक लाभ होगा या हानि होगा, यह पूछा गया है। सेलिंग प्राइस देखिए यहाँ पर 14 58, तो सीपी हम कितना दे, देखिए परसेंटेज हमारा यहाँ पर 35% का लाभ हो रहा है इस पर इतना बेचने पर, तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी बराबर 14 58 × 100/135, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 5 से मैं इसे काट देता हूँ, इसे रहने देते हैं, 5 से इसे काट देता हूँ, 5 × 10, 5 × 7 = 35, ठीक है। 9 से काट देता हूँ, 9 × 3 = 27 और 9 × 1 = 9, तो यहाँ से देखिए कितना बचेगा, 9 × 4 = 5, 9 × 6 = 54, 9 × 2 = 18, ठीक है। 3 से फिर इसे काट देता हूँ, 53 × 15, 3 × 6 = 12, यानी ये हो जाएगा हमारा कितना, सीपी जो निकलेगा 810, यानी 1,080। तो ये हमारा सीपी निकल आया, लेकिन इसको बेचा कितने में गया है, अगली जो प्राइस है वो 810 है, तो जो सेलिंग प्राइस अब की बार कितनी दी हुई है, 810 है। तो जाहिर सी बात है 1,080 की चीज हम 810 में बेच रहे हैं, तो क्या होगा, लॉस होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले देखिए ये दो ऑप्शन हो गए हमारे, अब इन दोनों में से ही होगा हमारा, क्योंकि हानि हो रही है हमें। अब देखिए 810 है, 1,080 और 810, इनका डिफरेंस देखिए कितना हो जाएगा, 0,7, और ये हो जाएगा हमारा 2, यानी 270/1080 × 100। तो यहाँ से देखिए 0 से 0 काट दूंगा इसे, और 2700/1080, 9 से काटता हूँ, 9 × 3 = 27 और 9 × 9 = 18, और यहाँ से आप देखिए कितना हो जाएगा, 3 × 6 = 12 और 100/4 यानी 25%, तो लॉस हमारा क्या होगा, 25%, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर
एक शाम श्री अपने ऑफिस के मार्ग में, चलिए ये वाला बताइए आप क्या होगा इसका आंसर। देखिए ये डायरेक्शन से क्वेश्चन है जिसमें हमें छांव वगैरह की ये पूछा जाते हैं। देखिए, एक शाम श्री अपने ऑफिस के मार्ग से अपनी मित्र सारा से मिलता है और सारा की छांव श्री के ठीक बाएं, बायां मतलब होता है लेफ्ट साइड, पड़ती है। यदि वह एक दूसरे के सम्मुख है यानी एक दूसरे के मुख्य समान खड़े हैं तो हमें बताना है श्री का मुंह जो है वो किस दिशा की ओर है। देखिए ये हमारा पूर्व है मान लिया हमने और ये हमारा पश्चिम, ठीक है। अब जाहिर सी बात है शाम का टाइम है तो सूरज हमारा इधर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब देखिए एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं मान लो इस तरफ से, क्योंकि छाया हमें इस तरफ पड़ेगी या इस तरफ पड़ेगी। अगर मैं इधर खड़ा हो जाऊंगा तो ये पीछे की साइड हो जाएगी ना, मान लो इधर एक दूसरे खड़े हो जाते हैं तो इसकी छांव तो इसके मुंह पे ही पड़ेगी, तो मतलब या तो इधर खड़ा होगा या इधर खड़े होंगे, ठीक है। तो देखिए सारा की छांव ठीक श्री के बाई ओर है, बाया मतलब होता है लेफ्ट साइड। अब इधर से सूरज है तो जाहिर सी बात है छाया हमारी इधर बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी, तो छाया जो है वो लेफ्ट साइड बन रही है। अगर मैं श्री को यहाँ पर खड़ा करता हूँ तो मुंह इसका इधर होगा और ये हमारा क्या होगा लेफ्ट हो जाएगा और इधर ही छाया बनेगी इसकी। तो हमें देखिए श्री के लेफ्ट में ही छाया बनेगी किसकी, सारा। तो हमें पूछा गया है कि श्री का मुख किस तरफ होगा, तो जाहिर सी बात है ये पूरब ये पश्चिम तो ये उत्तर है और ये हमारा क्या होगा दक्षिण होगा कि नहीं होगा। तो श्री इस तरफ खड़ा हुआ है और सारा उत्तर की ओर मुख खड़ी है, यानी श्री जो है वो दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है। हमारा आंसर आ जाएगा इसका बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, इसमें हमें प्लस को मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन को माइनस, डिवाइड को प्लस और माइनस को डिवाइड करना है। तो इसका आंसर हमें लिखा, देखिए टू डिवाइड दिया हुआ है यहाँ पर, तो डिवाइड का हमने देखिए यहाँ पर प्लस हो रहा है सिक्स और यहाँ पर देखिए माइनस, माइनस का देखते हैं क्या हो रहा है, माइनस का देखिए अर्थात डिवाइड हो रहा है, तो माइनस का डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर इसकी डिवाइड हो जाएगा थ्री। इनटू का देखिए यहाँ पर इनटू हमारा ये रहा, इसका हो रहा है -1 और प्लस का आप देखोगे इनटू हो रहा है यानी फोर, तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा ये और माइनस ये हो जाएगा 4 × 1 यानी 4 यानी 0 जो है इसका आंसर। हमारा आंसर आ जाएगा देखिए 0। ओके आसान सा प्रश्न था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। देखिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर दी गई श्रृंखला में अगला पद हमें निकालना है। देखिए पहले अल्फाबेट जो दिए हुए हैं उनको हम देखेंगे। देखिए एफ से जे हो रहा है, जे से एन हो रहा है और एन से आर हो रहा है। एफ जी एच आई जे, जे आ रहा है ठीक है। फिर जे से स्टार्ट होगा जे के एल एम एन, एन आ गया। देखिए यहाँ पर देखिए तीन, यहाँ पर भी तीन मतलब तीन अल्फाबेट छोड़ के चौथा वाला ठीक है। एन के बाद देखिए एन ओ पी क्यू आर, तो इसमें भी देखिए तीन छोड़े गए, तो अगला क्या होगा आर एस टी यू भी आएगा। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखिए एक ही ऑप्शन हमें जैसे दिया हुआ है जहाँ पर भी है, तो बस इसकी का आंसर हमारा डी आ जाएगा। आगे आपको चेक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी जो है यहाँ पर सीरीज बन रही है। अब देखिए इसमें देखिए 40, 39, 32 और 25, इसे भी चेक कर लो, इसके इसके बीच में डिफरेंस कितना है, 7 का डिफरेंस है। इसमें देखो इसमें भी 7 का है, इसमें भी 7 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर भी 7 का डिफरेंस होगा कि नहीं होगा, यानी इसकी वैल्यू जो है वो 18 के बराबर होगी। हमारा आंसर आ जाएगा डी, तो यानी भी 18 जो है इसका आंसर। देखिए ये वाला प्रश्न है, इसमें हमें जल प्रतिबिंब, अगर ये जल पे प्रतिबिंब देखा जाए तो इसका किस तरीके से बनेगा, आर ई एफ ई आर, आर ई एफ ई आर ई एन सी ई रेफरेंस ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब मतलब आर का उल्टा हो जाएगा, ई का उल्टा हो जाएगा, एफ का उल्टा, ई का उल्टा, आर का उल्टा, इस तरीके से होगा। तो उल्टा देखिए यहाँ पर उल्टा मतलब इसी के नीचे होगा, ऐसा नहीं है कि आर उठ के नहीं पीछे चला जाए। भाई जल पे आप देखते हो तो जल का आपको चेहरा तो सेम ही रहता है, बस लेफ्ट का राइट, राइट का मतलब उल्टा हो जाता है एक तरीके से बनता है। तो ये वाला वाला वो ऑप्शन नहीं होगा, ई कहाँ से आ गया, ये भी नहीं होगा हमारा। देखिए आर, आर का उल्टा हो रहा है, ई का देखिए ई का उल्टा, एफ का उल्टा, ई का उल्टा, आर का उल्टा, ई का, एन उल्टा है, सी और ई। देखिए
सी और ई में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों सेम ही रहेंगे। आप ई का उल्टा देखोगे ई ही बनेगा, सी का उल्टा देखोगे सी ई बनेगा, ठीक है। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कोई इसमें ऑप्शन है नहीं है ऐसा, ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये थे आज के प्रश्न। ओके, आई होप आपको वीडियो के जो भी क्वेश्चन मैंने आज कराए हैं वो आपको समझ में आए होंगे, और आप लोग अपनी तैयारी को ऐसे ही जारी रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। देखिए मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि 65 से 70 नंबर आपके जो है यही टॉपिक से आने वाले हैं जो मैंने आपको बताए हुए हैं। और बाकी MPG के आप पढ़िए, साइंस पढ़िए, तो यहाँ से भी आपको ज़्यादा वेटेज जो है इसका है। तो इस पर आपको, अगर इसमें आप वीक हो, ठीक है, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी हो गया, तो इसमें अगर आप वीक हो तो इस पे भी फोकस कीजिएगा, क्योंकि इसका वेटेज ज़्यादा है, तो आपको बहुत जो है यहाँ से आपको नंबर खींचना। ओके, तो मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, और जो भी साथी ने हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।